ये अचानक योजना नहीं बनी, वो समस्या जब सामने आया और किसान लोग जब हम लोग जाते थे, किसान लोग परेशान रहते थे कि जैसे रायपुर के आसपास अभनपुर है, दरसीमा है, आरंग है, हमारे पाटन है, तो यहाँ के किसान इसलिए परेशान कि रायपुर नगर निगम के लोग सब जानवर इकट्ठा करते हैं, काऊ कीचड़ में पकड़ते हैं और सीधा गाँव में छोड़ देते हैं और फिर फसल नुकसान करते हैं। फिर हमने देखा कि पूरे सड़कों में सैकड़ों की तादाद में मवेशी रात में बैठे रहते हैं और फसल दूसरे फसल भी नहीं ले रहे हैं, बरसात का फसल बचाना मुश्किल हो गया था। तो इसमें हम साथियों से चर्चा की आखिर इसका हल क्या है, और हल यही था कि गोबर खरीद लें तो निश्चित रूप से जो गौपालक है वो चारा खिलाएगा ही, क्योंकि जानवर मवेशी है, बिना चारा खाए तो गोबर देंगे नहीं, तो उसको यदि गोबर खरीदेंगे तो चारा खिलाना पड़ेगा और चारा खिला के उसको फिर बांधना भी पड़ेगा, और बांध के रखेंगे तो फसल भी हमारा बचेगा, रोड में एक्सीडेंट भी कम होगा। अब तो आप देखेंगे सड़कों पर मवेशियों की संख्या में कमी आई है और आने वाले वर्षों में देखेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उससे फिर वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया, वर्मी कंपोस्ट बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है, बहुत सारे हमारे स्व सहायता समूह के, अभी मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अंबिकापुर में एक स्व सहायता समूह की जो महिला है वो मुख्यमंत्री के मंच में बैठ के एक कंपनी के जो CEO है उसके साथ MOU कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है, और तब बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जो हाथ मिलाया वो अद्भुत दृश्य था कि एक गांव के ग्रामीण महिला के जो आत्मविश्वास है वो झलक रहा था। और उन्होंने कहा कि मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इससे वर्मी कंपोस्ट बना के मुझे जो कमाई हो रहा है मैं कभी सोची नहीं थी। तो ये जो आर्थिक रूप से जो संपन्नता आ रही है लोगों में वो बड़ी बात है। गोबर बेच के कोई लोग स्कूटी खरीद रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, कोई लोग और गाय खरीद रहे हैं, डेयरी वाले खूब, पहले तो डेयरी चलाना दूध बेच के मुश्किल हो रहा था लेकिन गोबर बेच के डेयरी चलाना बहुत आसान हो गया। तो एक नया एक द्वार खुला है डेयरी उद्योग के लिए, दूध अब उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि इससे जो फायदा होगा वो ये है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, दूसरा हम जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे और अनाज से, फल से, सब्जी से जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं और जो रासायनिक खाद उपयोग करते हैं उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां होती है, वो पूरा समाज उससे बचेगा। ये योजना लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये गोबर खरीदना केवल वो तो एक माध्यम है लेकिन इतने सारी चीज़ों में परिवर्तन आपको आने वाले